तो आज हम करने वाले हैं ब्लाइंड फोर्ड चीप मीडियम एक्सपेंसिव छोले भटूरे ट्राई, जिसके अंदर हमने ऑर्डर करे हैं 30 रुपए वाले, 150 रुपए वाले और 1200 रुपए वाले 5-स्टार होटल ताज के छोले भटूरे। अब भाई मेरे को आंखों पे पट्टी बांध के बताना है कि कौन से 30 वाले हैं, कौन से 150 वाले हैं और कौन से 1200 वाले हैं। चलिए भाई, इसके अंदर मेरा कार्यक्रम ज्यादा नहीं है, मैं तो सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाऊंगा। ये जो दो मुर्गे घूम रहे हैं ना यहाँ पर आसपास, ये देखो आसपास भटक रहे हैं दो, ये दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ये दोनों, बेसिकली प्लेट्स के अंदर छोले भटूरे निकाल देंगे। और गेम इतनी है कि मेरे को खाकर सूंघकर और बिना क्या क्या करके बताना है भाई, तुमसे ना हो पाएगा, बंद करो, रहने दो। ओ भाई टेबल साफ करनी पड़ेगी गाइस, कोई मेरे डालने के स्किल्स को जज नहीं करेगा। अब शुरू करूं मैं? मेरे हिसाब से क्योंकि 1200 का प्राइस, 1200 के अगर छोले भटूरे मिल रहे हैं ना, तो मैं उससे एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा, दैट इज उस भटूरों के अंदर पनीर होना चाहिए। जिस भटूरे में निकलेगा पनीर वही होगा हमारा सबसे महंगा छोला भटूरा। सबसे पहले टच टेस्ट करना है। ओके ठीक है, भटूरा इतना ज्यादा फ्लफी नहीं है, फ्लफीनेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ महंगे भटूरे के साथ, काफी दब रहा है ये भटूरा, अंदर से खाली खाली लग रहा है। नहीं, इसके अंदर तो कोई स्टफिंग भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग मीडियम वाले छोले भटूरे। ठीक है, ये मुझे लगता है सबसे सस्ते छोले भटूरे हैं, क्योंकि ये भटूरे में इतना तेल मुझे लग रहा है, मेरे हाथों पे भी चिपक रहा है। देखो यार बढ़िया तो ये भी नहीं लग रहे यार, ये भी सस्ते वाले लग रहे हैं। मेरे ख्याल से महंगे छोले भटूरे आए ही नहीं आज ताज से, पड़ा है 1200 वाले भटूरे भी पड़े हैं इसके अंदर, पड़े हैं। मेरे ख्याल से सबसे महंगा ये है, ये मीडियम है, ये सस्ता है। नहीं तुमसे ना हो पाएगा भैया, आपके सामने 3 प्लेटें पड़ी हैं। ओके, स्मेल के बेस पे बताना हो जाएगा। गाइस पहले तो आप इस वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखो आपके चक्कर में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके ही डाउट को दूर कर रहे हैं हम, कि भाई कोई भी अनबायस्ड या फिर फेक रिव्यू नहीं होता, हम लोग जो बोलते हैं जेन्युइन बोलते हैं, जो बहुत अच्छा लगेगा वही सबसे महंगा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे यार ठंडे हो गए हैं यार, ये तो मुश्किल है, शुरू तो मैं मुश्किल ही बता पाऊंगा। वाह, ओ बॉस, हार्ड हार्ड हार्ड, ये जो खुशबू है ना, मतलब मेरे हिसाब से छोले भटूरे को डिफाइन करती है ये खुशबू है। सॉरी, इससे आ रही है बट ना हल्की है, बढ़िया मतलब बढ़िया क्वालिटी वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। नहीं ये तो बहुत डिफरेंट है मेरे ख्याल से, ये चीपेस्ट, मीडियम और एक्सपेंसिव। चीप, मीडियम, एक्सपेंसिव, अब क्या मैं खा सकता हूँ? नहीं हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। गाइज आपने अभी तक गेस कर लिया है कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मेरे को तो मतलब मेरे तो दिमाग से बाहर है, मेरे को तो ये भी नहीं पता मैंने पिछली बार जो फर्स्ट टाइम में बोला था वही सेकंड टाइम में बोला भी है कि नहीं बोला। ऑलरेडी बहुत मुश्किल है मेरे लिए चीजें, अमन भाई ऐसे मत कर यार। अब फाइनली मुझे खाना है और फाइनली मुझे अपना आंसर बताना है, कौन सा चीप है, कौन सा मीडियम, कौन सा देख के ही बताना है। हाँ वो तो फिर मैं समझ ही जाऊंगा ना, सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ ये बीच वाले, सेंटर वाले, राइट? ठीक है, ये हम ट्राई कर रहे हैं और हम बताएंगे कौन से वाले हैं। इसका जो छोले की क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्लस जो पकाने का तरीका, छोले पूरे तरीके से बॉइल भी नहीं हो पाया, बहुत ही जल्दबाजी में बनाया, और इतनी जल्दबाजी में मेरे ख्याल से ज्यादातर बनाते हैं स्ट्रीट वाले, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्लेट निकालनी पड़ती है जल्दी जल्दी। छोले की क्वालिटी भी बेकार है, गर्म मसाला बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो पहले मैंने खाए ये है चीपेस्ट, सबसे सस्ते हैं ये। इसके ऊपर इतना अबे इतना तेल कौन डालता है भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गया। हम ये सबसे सस्ते हैं, ये सबसे सस्ते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की क्वालिटी में मेरे ख्याल से ये बनाए गए हैं, खास तो ये भी नहीं लग रहे, बट ये स्टिल इससे थोड़े बहुत 19-20 बेटर है, एटलीस्ट इसका भटूरा बेटर है, तो ये है मीडियम वाला। लास्ट, काश ये अच्छा हो यार, खा लू। लव द टेस्ट भाई, लव द टेस्ट, एंजॉयड द टेस्ट। छोले भी परफेक्ट, स्पाइसेस भी परफेक्ट एंड भटूरा भी डिलीशियस। भाई मेरा डिसीजन तय है चीप, मीडियम, एक्सपेंसिव। नाउ टेक ऑफ योर ब्लाइंड फोल्ड्स, अब बताओ कौन सा चीप है, कौन सा मीडियम है, कौन सा एक्सपेंसिव। हाँ अभी भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, पर ये तो भैरूपी है भाई, चीप, मीडियम, एक्सपेंसिव। फाइनल रिवील करने जा रहे हैं, चीप, चीप, मीडियम। अगर आपको लगेगा ये मेयर कोइंसिडेंस है तो मैं आपको कसम की बात बोल रहा हूँ, कसम की बात। इसका टेस्ट अभी ये लोग भी बैक ऑफ द कैमरा ट्राई कर लेंगे, ये लिटरली चीपेस्ट जैसे टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर जैसे मैंने बताया गरम मसाला बहुत ज्यादा था, प्लस छोले इतने ढंग से नहीं पके हुए,
ये देखो ना, मतलब ढंग से बॉईल भी नहीं हो रखे, और भटूरा तो मतलब डिसअपॉइंटिंग भाई। ताज ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पिछली बारी जब हमने ताज के छोले भटूरे खाए थे 1200 वाले, वो बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे को लगता है उसके बाद शायद शेफ वगैरह चेंज हुआ है। ये कौन से थे? मीडियम रामा छोले भटूरे। दिल्ली में विराट कोहली के फेवरेट रामा छोले भटूरे, ये मैंने वहां पे जाके भी खाए थे, तब भी मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये वही टेस्ट, मतलब एक नंबर टेस्ट भाई, मजा आ गया। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव के दामेदार है। बाकी आपको क्या लगा था कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मजा आ गया। इस वीडियो को देखकर मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कुछ और बढ़िया मंगाते हैं, मिलते हैं। बाय 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 बाय।